हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग मिसिंग टर्म्स को लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे लेकर चलेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, अभी हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो आपने सबने बनाया होगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर वन है, फिर ये टू है, फिर ये थ्री है, ये ऐसा, ये 74105, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए हमको पता लगाना है। तो देखिए इसमें कैसा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये पहला वाला को छोड़ दीजिए, बीच वाला को देखिए, इसमें कुछ समझ में आएगा आपको। 105 जो है वो मल्टीपल से बन रहा है, 714 से हमको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, 7 × ये 14 की जगह यदि मैं 15 लिखता हूँ तो 15 × 7 क्या होता है, 105 होता है। ठीक है, इस 14 की जगह मैं क्या लिखा हूँ, 15 लिखा हूँ तो 105 होता है। 14 को 15 कैसे बनाएंगे, 14 + 1 = 15 बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बगल वाले में देखते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा फॉलो हो रहा है क्या करके। तो ये मैं जब 2 को यदि मैं 3 लिखता हूँ तो 1 × 3, तो ये 3 आ रहा है, और 2 को 3 बनाने के लिए 2 + 1 मैं कर लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद यही पैटर्न मैं आगे मैं अपनाने जा रहा हूँ। तो 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क, तो देख लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, और ये 117, देखो ये एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह मैं नहीं लिया हूँ, देखूँगा अभी एक्स आंसर आपको बता रहा हूँ मैं। ये ऐसा कर लेते हैं, तो 117/9 ऐसा कर लेते हैं, तो 13 × 117 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं 13 लिख सकता हूँ, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत, है ना, क्योंकि उसमें +1 करके वो मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 + 1 करूँगा तो 13। या ऑप्शन में कोई एक को क्या करना था, यहाँ पे 13 देना चाहिए था, तो स्टूडेंट क्या होते हैं उससे कन्फ्यूज़ होते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, आंसर सीधे सीधे डी, ये ऑप्शन जो डी है 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखेंगे इसमें आप पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे। शायद ये ऐसा बना हुआ है, चलिए ये मैं क्लू दे देता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टली ये बना हुआ है, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 7 × 14, 6 × 12, 5 × 10, ये पैटर्न में दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। फिर वैसे ही इसमें +5 कर लेते हैं तो ये 19 आता है, यहाँ भी +5 कर लेते हैं तो ये 17 आता है, तो जाहिर सी बात है 10 + 5 = 15, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था क्या, ये था, लेकिन एग्ज़ाम में ईजी नहीं लगता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन में जैसे ही हम पहुँचे हमको सॉल्यूशन समझ में आने लगा है। कैसे, ये देखिए 18 × 16 होता है, 16 × 32 होता है, सीधा सीधा 8 × 16 हो गया, 16 × 32 हो गया, इतना 18 हो गया, 18 × 36 हो गया, 10 × 20, और 20 × क्या होगा, 40, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान था ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये 6 है, 4 है, ये 52 दिखाई दे रहा है, जो ये 6 और 4 से मिल के बना हुआ है, कैसे मिल के बना हुआ है देखेंगे अभी। वैसे ही 3, 5 है, 34 है, 8, फिर क्वेश्चन मार्क में 68, ये बनेगा। देखेंगे 6 और 4 से 52 बनाना है, तो स्क्वायर वगैरह कुछ किया है क्या, देखते हैं। 6 × 6 = 36 होता है, और 4 × 4 = 16 होता है, तो 36 एंड 16 को जोड़ लेंगे, 6 × 12, 3 × 4 = 5, 52 आ रहा है। तो क्या ये चीज़ यहाँ भी कर रहा है, 3 × 3 = 9, और ये 5 × 5 = 25, और 25 और 9 कितना होता है, 34 = 34 होता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा ही कर रहा है, तो यहाँ भी ऐसा ही करेगा। 8 स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ले लेते हैं, और ये 68 आना चाहिए, x² = 68, है ना, 8 × 8 = 64 कर लूँ क्या मैं, और ये 4 आ रहा है, तो 2 × x = क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, x = कितना आ गया, 2। देखो ऐसे ही इसको बनाते चलना है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 5 यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। वैसा ही है, सब आपको वैसा ही टर्म्स मिलेगा, इसलिए मैं उसको एक तरह से रखा हुआ हूँ, उसको चेंज नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे 5 है, 6 है, और ये 4 है, इनसे मिलके ये 12 बन रहा होगा, ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, 6, 7, 5, इनसे मिलके ये 21 बन रहा होगा। तो कैसे बन रहा होगा, मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखूं क्या क्या आता है, 5 × 6
इंटू फोर कितना आ जा रहा है देखेंगे, 6 × 5 = 30, 4 × 120, 120 आ रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, 6 × 7 × 5 देखेंगे, ये 6 × 7 = 42, 4 × 5 = 20 होता है क्या, हाँ 21, 210 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देगा, 120 है, यदि हम उसको 10 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है 12, 210 है, 10 से भाग देते हैं आता है 21, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया हुआ, ये कितना हो जाएगा 21। वैसे ही इनके प्रोडक्ट को हम लोग 10 से भाग देंगे, उसके ऊपर ओवरलैप हो गया क्या, ये 4 × 8 × 10 / 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 10 कैंसिल कर लेते हैं, 8 × 4 = 32 होगा, 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके अपने तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे, यदि आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो देखो ये भी प्रोडक्ट ही दिखाई दे रहा है, 80 जो है, 65 भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये 16 है, 6 है, फिर 2 है, 6 है, तो कैसे करने से ये 80 आएगा, ट्राई करके देखेंगे, और आप मुझे कमेंट में बताएं क्या आपने अपने तरीके से इसको बनाया। 16 - 6 मैं करता हूँ तो ये आता है 10, और ये दोनों को जोड़ता हूँ तो ये आता है 8, ऐसा करने से आ जाएगा 80। देखो 16 - 6 × 2 + 6 है ना, ये कितना आ गया 10 × 8, ये आ गया 80, यहाँ से ये 80 आ जा रहा है। तो क्या ये दूसरे वाले में भी ऐसा ही फॉलो कर रहा है, तो 9 - 4 × 7 + 6 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या, और ये 14 × 12 = 13 है ना, तो 13 × 5 = 65 होता है, हाँ बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 13 - 11 है ना, 13 - 11, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 + 8 का, तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से आ रहा है कितना 24, ये आ गया 48, कितना आ गया 48, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर होगा। देखो आसानी से ये बन गया, नहीं है आसान नहीं है, एग्ज़ाम में ये बिल्कुल आपको रुलाएगा, क्वेश्चन आपसे इतना आसानी से नहीं बनेगा। चलिए सेवन क्वेश्चन चलते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा इजी लग रहा है, देखो ऐसा कुछ कर लेते हैं हम लोग, 5 3, हाँ यहाँ से देखो 5 और वो जो 3 में टिक लगाया हूँ, दोनों मिला के 8 हो गया, 8 और ये 4 को ले लेते हैं, प्लस 4, 8 × 4 = 12 हो गया, और 12 और ये 1 को ले लेते हैं, प्लस 1, ये आ गया 13, ये 2 कोई काम का नहीं है, ये जो 2 है वो कोई काम का नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है ऑप्शन सी। देखो मैं हर जगह ऑप्शन सी आ रहा है ऐसा नहीं है, हम लोग क्वेश्चन बनाते समय कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम वाला अपने तरीके से देता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, देखते हैं यहाँ पे, ये तो स्क्वायर्स दिखाई दे रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये देखते हैं 4 और 5 है ना, नहीं यहाँ से लेते हैं 3 और 4 को लेते हैं, तो 4 × 7 = 7 × 7 = 49, ठीक है, 5 × 1 = 6 × 6 = 36, ओ बहुत ईजी प्रश्न है ये, 7 × 5 = 12 होता है, 12 × 12 = 144, तो 8 × 2 = 10, 10 × 10 = 100, ये बहुत आसान है, ऐसा प्रश्न आजकल देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए हाँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा है स्क्वायर्स, लेकिन ये थोड़ा बड़े बड़े संख्या का है, तो ये जनरली एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है, या जनरली याद नहीं रहता ऐसा कह सकते हैं। पहले ये देखिए, ये 196 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, ठीक है, वैसे ही 729 यहाँ पे देखेंगे, 729 जो है 27 का स्क्वायर है, 841 ये 29 का स्क्वायर है, और 784 ये 28 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है ये, ठीक है,
और इन दोनों को तीनों को जोड़ लेते हैं 29 प्लस 27 प्लस 28 तो ये आ जाता है 84। कितना आ जाता है 84। तो वैसे ही इस तरफ हम लोग क्या करेंगे 15 14 और ये 13 इसको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखो हाँ 5 4 9 3 12 और ये 42 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 42। इस क्वेश्चन में आ जाएगा क्या आ जाएगा 42 वही हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं लिया हो क्या मैं? ठीक है फिर भी ये आंसर हमारा आ जाएगा। आसानी से ऐसा बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद याद कीजिए। तो वैसा ही है ये देखो यहां से ये इस तरह से बना है वर्टिकली बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है। बड़ी संख्या देखकर कभी कभी समझ में आ जाता है हमेशा वैसा नहीं होता है। कैसे बना हुआ है देखो 12 या 36 12 × 3 12 या 36 हो गया। अब मैं उसमें 4 जोड़ लेता हूँ तो आता है 40। ये देखो ये पहला वाला और वैसे ही 15 है ना 15 है और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 6 को हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं 15 × 60 और ये 66। वैसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो 16 × 5 प्लस 4 16 × 5 = 84 होता है। ये ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बहुत आसानी से ये बन गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ये देखो इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये कैसा बना हुआ है वर्टिकली बना हुआ है तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे ये देखो 6 ये वाला 6 को मैं लिखा हूँ ये वाला को इंटू 7 है ना 6 × 7 = 42 होता है क्या 6 × 7 = 42 हो गया। अब उसमें मैं 5 को घटा लेता हूँ ये वाला 5 को तब जाके ये क्या बन रहा है 37 बन रहा है। इस हिसाब से 37 ऐसा बन रहा है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे 5 × 6 6 × 5 = 30 होता है और उसमें 7 घटाएंगे तो ये 23 आ जाता है। ठीक तो है तो 4 × 5 - 6 कर लेते हैं 5 × 20 और 6 घटा लेंगे तो ये 14 आता है। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है आसान था ये प्रश्न। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये देखिए 12th क्वेश्चन। अच्छी बात ये जैसे ही इस क्वेश्चन में आप पहुँचते हैं यदि आपने कुछ भी क्वेश्चन बनाया है तो आपको नज़र आने लगेगा कि ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। नीचे वाले को छोड़ दें इस वाले लाइन को छोड़ दें तो ऊपर सारे के सारे स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर किसी न किसी संख्या के वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे 169 है 13 का ठीक है और 121 है 11 का और 64 किसका है 8 का। देख लेते हैं जोड़ के ये 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप लोग देखेंगे 8 × 3 = 12 और ये 32 यहाँ से आ गया। वैसे ये किया हुआ है। दूसरे वाले में देखेंगे 144 किसका है 12 का देन 196 14 का है और ये 9 का है। ये 35 ऐड करने से आ रहा है तो हमारा आंसर 289 किसका है आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है वो 17 का है। 441 वो किसका है 21 का है और 225 ये जो दिख रहा है वो 15 का है। इसको जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा हाँ 5 6 13 3 लिख लेता हूँ मैं ए और ये 5 53 आंसर आ जाएगा 53 ऑप्शन ए। ठीक है आसानी से ये बन गया। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में बताया है आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखते हैं ये देखो 3 370 then 7 ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा आपसे दिख रहा है। ठीक है लेकिन अजीब सा नहीं होना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब यदि कोई बड़ी संख्या अचानक से बन रही है तो स्क्वायर और क्यूब इस्तेमाल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो आप इस यदि स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं 3 × 9 = 7 × 49 तो उसके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्यूब इस्तेमाल कर लेते हैं इसका हम लोग 3 × 9 = 27 मैं पहले ऐसा लिख लेता हूँ चलिए 3³ + 7³ देख लेते हैं 3 × 9 = 27 ये ऐसा हो गया और 7 × 7 = 49 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 343 होता है 7³। अब इसको जोड़ लेते हैं ये आता है 370 मतलब रिक्वायर्ड जो नंबर है वो मिल गया है। आप लोग बीच वाले को वेरीफाई करेंगे ये वैसा है कि नहीं है। मैं आंसर लेके आता हूँ कितना आ रहा है
ये 1 का क्यूब है प्लस x का क्यूब, किसका क्यूब है नहीं पता, जोड़ने से ये 730 आना चाहिए। तो देख लेते हैं x क्यूब और ये कितना हो जाएगा 729, 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 729 किसका क्यूब है, यहाँ से देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 729 9 का क्यूब है, तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, तो इसको बना के देखिए आप लोग, बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये 14th क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा रुलाएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रुलाएगा। चलिए बना के देखते हैं कैसा ये बन रहा है। 45 प्लस 12, सीधा सीधा करिए, 45 प्लस 12 का लेते हैं तो ये 57 आ रहा है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एग्जाम में स्टक होंगे इसमें। 11 प्लस 0, 11 आ रहा है, 1 प्लस 1, 2 आना चाहिए, देखो आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन जो कि 15th नंबर का है, देखते हैं इसमें कैसे करना है। ये मेरे को आसान दिख रहा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे देखिए, यहाँ पे ये 3 और 2 को देखेंगे आप लोग, 3 और 2 को देख जोड़ेंगे तो ये आता है 5 और ये बीच वाला है 4 इंटू 4 तो ये आ जाता है 20, ये वाले जो 20 है वो आ गया। इसमें ट्राई करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 6 प्लस 1 ये आता है 7 और 7 इंटू 5 ये आता है 35, वैसा ही तो कर रहे हैं क्या, ठीक है। लास्ट तरफ चलते हैं तो 6 2 कितना हो, 8 और 2 10 होता है और उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 60, क्वेश्चन मार्क जाकर क्या आएगा 60। आसान था क्या ये, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, देखेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे तो एक दो पार्ट्स और रहेंगे इस सीरीज में। वैसे तो देखा जाए तो लुक्तपत के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनने लगेंगे। मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज देखते रहिए, शेयर करते रहिए, थैंक यू।